हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल। पंजाबी सिंगर ते पंजाब दीयां दो तीन वड्डियां अपडेट्स लैके तुहाडे सामने हाजिर होए हाँ। शुरुआत करदे हां पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री तो ही सिद्धू मूसेवाला, करण औजला, दलजीत दुसांझ, तरसेम जसड़, रणजीत बाबा ते दोस्तों एक दो होरना स्टारां दा आपां वारों वारी जिक्र करांगे। ते दोस्तों शुरुआत सिद्धू तो ही करना चाहांगे, मालवा ब्लॉक गाणा। वैसे तां दोस्तों एक कल गाणा आउणा सी पर थोड़ी जिही देरी कीती है। कल मालवा ब्लॉक गाणे दी इंट्रो आई है जिस विच कि एक शख्स दा बड़ा ही अहम शायर सी ते ए राजविंदर सिंह रंडियाला पहला ही अमृत मां ते दलजीत दुसांझ नाल काम कर चुका है, मतलब उन्हां दी एल्बम दी इंट्रो ते शायर लिख चुका है। मालवा ब्लॉक दी इंट्रो नूं भी फैनां ने दोस्तों पूरा प्यार दिता ते गाने नूं भी बेहद पसंद कीता जा रहा है। हालांकि दोस्तों हले तां थोड़ा टाइम ही होया है, चंगे व्यूज भी आ गए हन, जिवें कि दोस्तों आपां सिद्धू दे गाने दे प्रीमियर ते ही देखदे हां 50,000 तों लै के लख डेढ़ लख बंदा इदां लाइव देखदा ही हुंदा है। इस गाने ते भी दोस्तों इदां ही होया। रूस कौर, दिव्या शर्मा इन्हां दा दोस्तों अहम रोल है ते इस गाने दा आपां होर भी जिक्र करांगे, पर उस तों पहलां जो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री विच इक माहौल जिहा बणिया होया है दोस्तों, अगले एक हफ्ते तक कुछ इक ज्यादा ही पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री बिजी है। कल नूं दोस्तों दिलप्रीत ढिल्लों दी एल्बम आ रही है पूरी दी पूरी, जिस दी की जानकारी दोस्तों उसने ही दित्ती है। खुद जॉर्डन संधू दा भी उस विच इक गाना है ते 24 तरीक नूं तां दोस्तों चलो दिलप्रीत ढिल्लों दी एल्बम होगी, 25 तरीक नूं एली मांगट दी एल्बम आ रही है। उसने भी कह दिता कि मैं एक बार च ही पूरे दे पूरे गाने रिलीज़ कर दा। इस नाल भी दोस्तों पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री विच काफी हलचल हुई, क्योंकि दोस्तों जो शायर लिखा सी इस नूं कुछ आर्टिस्टां नाल जोड़िया गया सी। ते इस तों इलावा रणजीत बाबा भरा ने हाल ही बयान दिता है कि अगले हफ्ते मैं अपनी एल्बम दा टाइटल ट्रैक जां कह लो दोस्तों प्रोमो इंट्रो जो कुछ भी है उस नूं रिलीज़ करन वाला हां। सो दोस्तों रणजीत बाबा दी एल्बम दी भी काफी लोकां नूं वेट है। अमृत मान, तरसेम जसड़ इन्हां दे भी गीत लिखे हुए हन ते दोस्तों तरसेम जसड़ दा असीं जरूर जिक्र करना चाहांगे, उसने भी इक नवें शख्स नूं अगे लै के ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਹਿਮ ਗੀਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਐਲਬਮ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੁਣ ਹੋਰਨਾ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਗਾਣੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਗਾਣਾ ਚੱਲੂ, ਕਿਹਦੀ ਐਲਬਮ ਚੱਲੂ, ਪਰ ਹਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਦਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਾਜ ਰਣਜੋਤ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਐਲਬਮ ਦੇ ਕਈ ਗਾਣੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਐਲਬਮ ਗੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੇ ਸਨ ਉਸਨੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਇਸ ਐਲਬਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਆਪਣੀ ਐਲਬਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਗਾਣੇ ਏ ਟੂ ਜ਼ੈਡ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਦੋਸਤੋ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਐਲਬਮ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਫੈਨ ਬੜੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਦਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਭਰਾ ਪੋਸਟ ਨਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਦਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਲੌਕ ਅਵਰ ਓਨ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਸਟਾਪ ਐਂਡ ਸਮੈਲ ਦਾ ਰੋਸਿਸ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵੇ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਜੋਰਡਨ ਸੰਧੂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਫੈਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਹੈ ਦਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਐਲਬਮ ਬਾਰੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਹਿੱਟ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ ਉਸਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਐਲਬਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਲੱਗਦਾ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹਰ ਜਾਣਾ, ਨੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਮ ਕਦਮੇ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ, ਭੁਗਤਦਿਆਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਮ ਕਦਮੇ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ, ਭੁਗਤਦਿਆਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੀ ਤੇਰੀ
ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣੇ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਬੜੇ ਤੇਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲਾ ਤੇਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲਾ ਤੇਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲਾ ਤੇਰਾ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਕਾਂ ਕਰ ਜਾਣਾ ਨੀ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਦਿਆਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। वैसे दोस्तों बहुत घट सिंगर होंगे जो अपने आने वाले गाने लिए जो उन्होंने गाने लिखे हुए हैं वो इदा लाइव आके सुनाते हैं स्टोरिया पाते हैं, पर अर्जन ढिल्लों ने अजिहा किया है। हुण ये गाना रिलीज होगा या नहीं इस बारे तो कुछ नहीं कह सकते, पर काफ़ी लोगों ने इसनों पसंद जरूर किया है। तो दोस्तों अर्जन ढिल्लों के दलजीत दोसांझ बारे भी एक जानकारी सामने आ रही है, हालांकि ये एक अफवाह है न सच है, इस बारे तो कहना काफ़ी मुश्किल है कि दलजीत दोसांझ भी उसने उसकी एल्बम गीत लिखे दिते हैं। दोस्तों जो अर्जन ढिल्लों का पिछले भी गाना एक आया उसनू दलजीत दोसांझ ने भी शेयर किया सी, ते हो भी सकता है ते उदों दी ही ये गल चल रही है कि अर्जन ढिल्लों ने दलजीत नू गाने लिख के दिते हैं। सो दोस्तों देखते हैं फिर की अगे बनता जुड़ता। तो दोस्तों सिद्धू के मालवा ब्लॉक गाने बारे ही तुहानू दस दिए, जिसनों की कल ही सनी डेंस जिसने की मिक्स एंड मास्टरिंग की है इस गाने की वह सुनता दिखाई दिता। तो दोस्तों जिस वेले ही पता लग गया कि गाना तकरीबन 4 मिनट का होने वाला है। तो दोस्तों इस तों इलावा सनी डेंस अपने इंस्टाग्राम Q&A विच भी इसका अहम जिक्र कर रहा है, तो उसका फेवरेट गाना है इनविंसीबल जो कि है दोस्तों स्टेफलैंड नाल। पोस्टर दोस्तों इसका बेशक नहीं आया पर गाने विच पूरी एंड गलबात होगी ये दोस्तों उसने कही है। तो दोस्तों जेकर आप सिद्धू के शड्यूल के हिसाब नाल देखिए, पहला तो ही थोड़ी जी चलो गड़बड़ हो गई सी, ऑडियो तो वीडियो ट्रैक इकट्ठे कर दिते सन 1 तरीक तो 6 तरीक तो लैके सिद्धू ने एल्बम डिले कर दी सी। कल भी सिद्धू ने थोड़ा जिहा शड्यूल चेंज कर दिता, तो दोस्तों अगे भी इदा हो सकता है। हुण कहा जा रहा है कि जो अगे एक ही वैसे दोस्तों स्किट बाकी है ट्रायल डे स्किट, उस वेले भी इदा हो सकता है कि सिद्धू जिमें कि 10 जुलाई कैलाबूस आने वाला है उस दिन ट्रायल रिलीज करेगा, ट्रायल डे मतलब जो कि स्किट है, तो 11 या 12 तरीक न सिद्धू कैलाबूस गाना रिलीज करेगा। इदा ही दोस्तों अगला शड्यूल भी रहने वाला है, यह जानकारी उसके एक करीबी दोस्त मित्र ने ही दी है। सो दोस्तों मालवा ब्लॉक गाना, इस तो बाद ब्लैक एंड वाइट, तो इस तो बाद आने वाला है सैलीब्रिटी किलर जैसती की बहुत ही ज्यादा चर्चा है। सो दोस्तों मालवा ब्लॉक ते ब्लैक एंड वाइट तो बाद जिन्ना ते की ज्यादा ही चर्चा है सेलिब्रिटी किलर, इनविंसिबल, जी शिट मतलब जी क्लास ही दोस्तों गाना है, बल्ट डिफरेंट एक किड दा दोस्तों फेवरेट गाना है, कैलाबूस जेल गाना इस बारे तो कुछ कहने की लोड़ ही नहीं, 295 ए ता हुण सुपर डुपर हिट ही रहने वाला है, जट पूरा कैम पावर ए दोस्तों एल्बम दे अहम गाने ने। एल्बम दा दीज डे तो ही शुरू हुई सी, ए गल सिद्धू ने भी अपने लाइव च कही सी, ते देखदे आं फिर दोस्तों अगे की बनदा जुड़दा। 21 तरीक नूं दोस्तों एल्बम नहीं खत्म होने वाली, रोमा ते गोट गाना भी रह गया है। आला महीना तो चलो नंघ ही गया, अगला महीना भी सिद्धू दे नाम ही रहेगा। ते दोस्तों इस तों इलावा बिलबोर्ड चार्ट ते भी सिद्धू दा हले तक पूरा दबदबा है, इतों तक कि जस्टिन बीवर दे भी गाने हले दोस्तों टॉप ट्रेलर ग्लोबल ते हेठां ने, सिद्धू दे 3 गाने उपर ने, विच आई एम बैक, मूसीडिला, अस। ब्राउन शॉडी गाना भी दोस्तों दूसरे वीक विच एंटर हो चुका है, 7वें नंबर ते पीक कर चुका है, ते जस दी पोस्ट सोन ते सिद्धू दोनों ने ही शेयर कीती है। ते इस वीक दा भी दोस्तों देखते हैं फिर होर केड़ा गाना ऐड होया है, पर दोस्तों जो बिच आई एम बैक गाना है तकरीबन 4-5 हफ्ते हो चुके हैं, हले भी वह टॉप ट्रेलर ग्लोबल से पहले नंबर से पीक कर रहा है, वाकई दोस्तों बहुत वड्डी गल है। तो इस गाने नूं कितना प्यार दिता गया इस बारे तो कुछ कहने की लोड़ ही नहीं। तो देखते हैं फिर दोस्तों कुछ दिन तक कि होर केड़ा गाना इस बिलबोर्ड चार्ट से ट्रेंड किया है, पर फिलहाल पूरी गर्द उठाई हुई है मालवा ब्लॉक गाने ने। तो दोस्तों तुहानू यह गाना किदां दा लगा तुसीं भी जरूर दस्सिओ, ते दोस्तों जेकर तुसीं भी अपनी कोई वीडियो जां न्यूज़ साडे नाल शेयर करना चाहते हो तो साडे इंस्टाग्राम अकाउंट ते भेज सकते हो, ते नाल ही साडे चैनल नूं सबसक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिओ। धन्यवाद।